रूपेश बिरला हत्याकांड में पहले दिन से ही भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव यादव परिजनों के साथ रहे और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर मुख्य आरोपित आशिक अल्लानूर पटेल की अवैध संपत्ति को जमींदोज करने तक प्रशासन पर अपना दबाव बनाए रखा। उल्लेखनीय है कि 10 दिन पूर्व जयनगर निवासी रूपेश बिरला लापता हो गया था। तीसरे दिन पता चला आरोपी आशिक पटेल ने रूपेश की हत्या कर लाश को अपने कैंपस में गाड़ दिया था। हिंदू संगठनों के हंगामे के बाद इस हत्याकांड में लिप्त सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। आज रूपेश बिरला की हत्या के 10 दिन बाद फिर परिजनों से मिलने पहुंचे राजीव यादव ने अपने साथियों सहित मृतक के निवास पर परिजनों को सांत्वना दिया और उन्होंने कहा कि मुआवजा राशि के लिए शासन से बात हुई है, शीघ्र राशि भी मिल जाएगी। आज रूपेश के परिजनों को संगठन की ओर से 50,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई। साथ में वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक पटेल, मनोज जायसवाल, जीवन रघुवंशी, हेमंत पटेल सहित सभी लोग उपस्थित रहे। पीथमपुर से अमित अतुलकर की रिपोर्ट। इस प्रकार की इन्होंने हत्या की है, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। एक परिवार का एक बेटा गया है तो निश्चित तौर पे उस परिवार की सांत्वना और उसका पीड़ा किस प्रकार की हुई हम सब समझते हैं। प्रशासन से भी जो उम्मीद थी, उसके जितने मकान थे, जितनी संपत्ति थी, और उचित से उचित कार्रवाई, उसके लड़के जो भी सम्मिलित थे, सब पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो, इसी तो हम सब लोगों ने परिवार के साथ बैठ के वो जो भी प्रोविजन है मैंने बात की है सीएम साहब से भी और कलेक्टर साहब से भी, तो इस प्रोविजन में जो आएगा 100% मदद करेंगे।